News. अभी अभी फिसल चुका हूँ यार, फिर से काफी चैलेंजिंग काम है। थोड़ा सा मैं इस तरफ से चढ़ने की कोशिश करता हूँ क्योंकि उधर मिट्टी में जो बर्फ है वो दब चुकी है, जिसके कारण थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आप उस तरफ से क्लाइम इजिली कर सकते हो जहाँ पे बर्फ अभी जमी नहीं है प्रॉपर, जैसे इस तरफ जमी नहीं है, पर तब भी चढ़ना काफी चैलेंजिंग काम है मेरे लिए और आप सबके लिए। बर्फ में अगर आप चढ़ रहे हो तब भी देखो फिसल रहा हूँ मैं बार बार यार, चढ़ना काफी मुश्किल हो गया है मेरे लिए, चढ़ना काफी मुश्किल हो चुका है। एक बार उतरने के बाद कोई स्टिक वगैरह अगर आपको मिल जाए तब आप इजिली क्लाइम कर सकते हो, बट मेरे पास अभी ना ही स्टिक है ना ही कुछ है। ऐसे ही मैं चढ़ने की कोशिश करता हूँ, कुछ पकड़ने के लिए भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे है कांटे। एक्चुअली मेरा पैर नहीं जम पा रहा अच्छे से एक जगह पर। फिर से गाइस मैं नीचे पहुंच चुका हूँ यार, इतनी बार मतलब ट्राई किया ऊपर जाने का यार, ग्लव्स में बिल्कुल नहीं खोल सकता अपने हाथों को। अगर मैं ग्लव्स होकर चढ़ने की कोशिश करूं तब थोड़ा सा है कि मैं इजिली चढ़ पाऊं। पूरे तेरी गाइस इतना चैलेंजिंग काम है बर्फ के टाइम पहाड़ पर चढ़ना, सबसे जरूरी बात बड़ा ज्यादा चैलेंजिंग है आपके लिए। मैं चढ़ूंगा स्पेशल चढ़ूंगा और इतनी दूर से मैं आया हूँ स्पेशल आपके लिए, और मैं चढ़ूंगा जरूर, पर मैं ग्लव्स खोल के नहीं चढ़ सकता क्योंकि अगर आप ग्लव्स खोल के बर्फ में अपना हाथ यूज करते हो तब आपका हाथ टोटली सुन्न हो जाएगा, कुछ भी एक्टिविटी तब आप नहीं कर पाओगे और आपसे वो ठंड होगी और बर्दाश्त के बाहर होगी। इसलिए ग्लव्स तो मेरे टोटली गीले हो ही चुके हैं, पर तब भी मैं ऊपर चढ़ने की कोशिश करूंगा, बट मेरे अभी हाथ सुन्न नहीं है क्योंकि ग्लव्स मैंने डाल रखे हुए हैं। मैं फिर से चढ़ने की कोशिश करूंगा। गाइस बड़ा ही मुश्किल और चैलेंजिंग काम है ये मेरे लिए, इस टाइम कुछ पकड़ने के लिए है भी नहीं मेरे पास स्टिक वगैरह। गाइस अभी मैं फाइनली ऊपर पहुंचा हूं, पर अभी मैं प्रॉपर ऊपर नहीं पहुंच पाया हूं। प्रॉपर ऊपर जब तक मैं चढ़ नहीं जाता तब तक मैं भी हार मानने वाला बालों में से नहीं हूं, मैं चढ़कर ही बताऊंगा आप लोगों को ऊपर। गाइस फिर से फिसल चुका हूं मैं यार, पर मैं चढ़कर ही रहूंगा, गिव अप मैं नहीं करूंगा। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। नहीं फैशन देख सकते हो यार, मेरी बैंड बज गई है बार बार ऊपर चढ़कर। पहले मैंने दूसरी तरफ ऊपर से नीचे पहुंच चुका हूँ यार गाइस, दूसरी तरफ रह रहा हूँ यार मैं, और मैं करूंगा फिर से। देख सकते हैं यार मेरी हालत आप लोग, इतनी बुरी हो चुकी है ना मैं बता नहीं सकता। और इधर से चढ़ना एक बेशक आपको अब इधर से जमीन दिखने शुरू हो चुकी होगी, इतनी बर्फ मेरे मतलब फिसलने से गिर चुकी है, पर इसमें चढ़ना सबसे मुश्किल काम होता है क्योंकि ये धस चुकी है बर्फ। नॉर्मली जो है बर्फ धसती नहीं है जब तक हम उस पर चले ना, और ये धस चुकी है इसमें फिसलने के चांसेस बढ़ चुके हैं मेरे, पर चढ़ना तो ऊपर मुझे होगा ही आप लोगों के लिए। मैंने अगर कहा है कि ऊपर चढ़ूंगा तो चढ़ूंगा, चाहे मुझे 100 बार ही क्यों ना फिसलना पड़े। तैयार हूँ मैं, थोड़े से कपड़े कर लेता हूँ हल्के हल्के कि ताकि मेरे कपड़े जल्दी गीले ना हो, क्योंकि इससे कपड़े वगैरह सब कुछ गीले हो जाते हैं, आपको सर्दी जुकाम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर से चढ़ने की एक बार कोशिश मैं करता हूँ, आपको दिखाऊंगा फिर से चढ़कर, और आई होप इस बार मैं अच्छे से चढ़ पाऊं, कोशिश पूरी होगी, हार तो मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। काफी चैलेंजिंग काम है देखो, इसमें अगर आप ऐसे चलते हो तो फिसलते हैं, क्योंकि इसमें फिसल हम इसलिए ज्यादा रहे हैं क्योंकि इसमें ये देवदार के पेड़ के जो छिलका होता है कुछ इस टाइप के लगे होते हैं ये है। इसमें अगर आप नॉर्मली भी चलते हो बिना बर्फ से तब भी आप फिसलते हो, और इसमें मतलब अगर आप एक बार फिसलते हो ना तब आप अपने आप को रोक नहीं सकते, आप फिसलते ही जाते हो जब तक आपको किसी की चीज का सपोर्ट ना मिले विदाउट बर्फ से। अगर इस पर हम चले वैसे चैलेंजिंग थोड़ा इसलिए हो गया, अगर बर्फ हट रही है तो जमीन नहीं आ रही, ये आ रहे हैं जिसके कारण और ज्यादा फिसल रहा हूं मैं,
फ्रिक्शन अच्छे से नहीं बन पा रही मेरे बूटों की, ग्रिप नहीं बन पा रही, पर मैं फिर से चढ़ूंगा। कोशिश तो मेरी यही है कि मैं चढ़ूं फिर से, थोड़ा सा फिसला इस बार भी, चढ़ूंगा मैं, मुझे पता है मैं चढ़ूंगा। ओह गाइस, फाइनली मैं ऊपर पहुंचा हूं यार। मन कर रहा है इस बर्फ में यार एक बार अपना मुंह दे लूं ऐसे करके, क्या बताऊं मैं आपको। फाइनली अभी मैं ऊपर चढ़ा हूं, मेरे हाथ वगैरह देख सकते हो, कपड़े जो बर्फ से इस टाइम बुरी हालत हुई है, मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता इतना बुरा मेरे साथ जो हुआ है। इतनी कोशिश मैंने नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ते चढ़ते की, यानी कि मैं खुद थक चुका हूँ, बार बार फिसल कर फाइनली मैं ऊपर पहुंचा हूँ। चाहे बेशक बर्फ ही क्यों ना हो, मैं आराम से 5 मिनट तक लेटने वाला हूँ, जब तक मुझे ऐसा लगता नहीं कि नहीं यार अब उठ जाना चाहिए, क्योंकि मैं थक चुका हूँ बार बार नीचे से ऊपर की तरफ चढ़कर। तो 5 मिनट मैं अब इधर अच्छे से लेटूंगा, इंजॉय करूंगा बर्फ का बिस्तर, जैसे आप नॉर्मली अपने बिस्तर पे सोते हो, इस टाइम मैं बर्फ के बिस्तर के लुफ्त उठा रहा हूँ। मैं बता नहीं सकता, बर्फ में सोना भी एक यार मजे की बात है। अगर आप लोग कभी सोए नहीं हो, अगर आप बर्फ वाली जगहों में कभी जाते हो, तो एक बार जरूर लेटना, बड़ा ही आनंद आएगा आपको, मजा आएगा। हाँ बेशक ठंड होगी, बट अगर आपको मजे के लिए करना है तब ठंड तो सहनी ही पड़ेगी यार फ्रेंड्स आपको। और कसम से बता रहा हूँ, बड़ा ही मजा आ रहा है मेरे को इस टाइम लेट कर फाइनली ऊपर पहुंचा हूँ। और अभी ये दिक्कत नहीं है, दिक्कत एक और बड़ी है कि मेरे को अपने रूम तक जाना है, उसमें इतनी ज्यादा बर्फ है, बिल्कुल सीधी चढ़ाई है, उसमें अगर आप फिसलते हो तो आपकी जान भी जा सकती है, क्योंकि वो बिल्कुल मतलब पहाड़ी का रास्ता है, आप पहाड़ी से नीचे गिर सकते हो, रिस्क उसमें ज्यादा बढ़ जाता है। तब हमें दूसरे तरफ मतलब जहां पर थोड़ी सी जगह हो, हमें उस तरफ चलना पड़ता है, अगर हम फिसले भी तब हम थोड़ा सा मतलब बच जाए, डायरेक्ट पहाड़ी से नीचे ना गिरें, जिसके कारण हमारी जान भी बचे। आप लोगों के लिए मैंने इतना रिस्क लिया है यार सब्सक्राइब, उसके बाद भी अगर आप ना करो तो कसम से मैं अगली बार इतना रिस्क नहीं लेने वाला। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, कमेंट तो एटलीस्ट आप कमेंट तो डालो यार वीडियो में। आप कमेंट ही नहीं डाले, आप लाइक दे रहे हो वीडियो में, व्यूज दे रहे हो, बट कमेंट तो डालो यार। कमेंट के बिना कम्युनिकेशन कैसे होगी यार आप लोगों के साथ, कि आप चाहते क्या हो मेरी वीडियो में, कि मैं आपको ऐसा क्या अपनी वीडियो में कंटेंट बनाकर दूं जो आपको पसंद आए। एटलीस्ट कमेंट डालो, सर आपकी वॉइस प्रॉपर नहीं आ रही, या फिर ये चीज करो, सर यहाँ जाओ वहां जाओ, ये चीज बनाओ यार, मैं बनाऊंगा, आपका भाई बैठा इसी काम के लिए हूं यार मैं, और क्या कर रहा हूं मैं, और कुछ नहीं कर रहा, आप लोगों के लिए ही मैं आया हूं यूट्यूब में, ब्लॉग स्टार्ट किया। एटलीस्ट यार सपोर्ट तो करो, कमेंट डालो, अच्छे नहीं लगी तब भी डालो, डिसलाइक दो, एटलीस्ट डिसलाइक देने के बाद कमेंट में भी बताओ कि क्या प्रॉब्लम है जिसके कारण आपने डिसलाइक दिया, मैं उस अगली आने वाली वीडियो में उसे कवर कर सकूं प्रॉपर तरीके से। एटलीस्ट आप वो तो बताओ यार मुझे, वरना उसके बिना तो यार कैसे मैं आपको यार खुश कर पाऊंगा, मुझे कैसे पता चलेगा आपको क्या चीज चाहिए और क्या चीज नहीं। तो एटलीस्ट यार अगर आप डिसलाइक भी करते हो, लाइक भी करते हो, तो कमेंट में जरूर बताइए कि अगली वीडियो में क्या अच्छा कर पाऊं मैं, और इस वीडियो में जो कमी है वो भी मुझे आप कमेंट में बताओ, हो सके तो प्लीज यार कमेंट तो एटलीस्ट कर ही दिया करो, और सब्सक्राइब और शेयर भी कर दो। इसी के साथ आज की वीडियो हम यही खत्म करते हैं, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। और मैं आपको एक बार फिर से बोल देता हूँ यार, प्लीज कमेंट सब्सक्राइब लाइक और शेयर करो, अपने भाई को सपोर्ट करो। और अभी जैसे कि मैं नीचे जाना है, तो वो भी चैलेंजिंग काम है, लगता है फिसल कर जाऊं तब ज्यादा बढ़िया रहेगा, लेटे लेटे हुए तो ही, खड़े होकर अगर आप एकदम फिसलते हो तब ज्यादा दुख होता है, कसम से बोल रहा हूँ ज्यादा दुख होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, बाय, जल्दी ही मिलेंगे हम अगली वीडियो में, बाय। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।